चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग मैथ पढ़ना। हम लोग पिछले क्लास तक के हम लोग 5.2 का ही थ्योरी पढ़ रहे थे। एक टॉपिक्स थ्योरी में हम लोग का बच गया था, उसका नाम है डिफरेंशिएशन बाय चैन रूल। यानी कि अब हम लोग डिफरेंशिएशन, यहाँ पे DIFF लिखा हुआ है, इसका मतलब पूरा नाम आप लिख लीजिएगा डिफरेंशिएशन। किसके अनुसार? तो चैन के अनुसार, चैन रूल। अब डिफरेंशिएशन का एक करने का एक मेथड है जिसका नाम है प्यारे छात्रों चैन रूल। अब उस चैन रूल को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि आखिर कोई भी डिफरेंशिएशन को हम लोग को कहाँ पे चैन रूल लगाना होगा, यानी कि चैन रूल कहाँ पे इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन बाय चैन रूल सीखते हैं। ये NCERT का 5.2 एक्सरसाइज का में आपको इसका यूज मिलेगा। तो दोज रूल यानी कि वैसा रूल विच इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि ऐसा रूल, यह एक ऐसा रूल है जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करने में काम लाते हैं, डिफरेंशिएट करने में मदद मिलती है। किसके रिस्पेक्ट में? तो एक्स के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, WRT ऑफ एनी कंपोजिट फंक्शन। प्यारे छात्रों कंपोजिट का मतलब होता है कि y का वैल्यू कुछ भी दिया रहेगा x में, जैसे y बराबर cos x स्क्वायर, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब कि अगर हमें y का जो वैल्यू दिया रहेगा वो x में कुछ भी दिया रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। यानी कि अगर कोई कंपोजिट फंक्शन है, यानी कि y का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग उसको अगर डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी कि dy/dx, तब वो क्या कहलाता है? चैन रूल। किसको हम लोग? कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन हम लोग तभी इस्तेमाल करेंगे जहां पे उसके अंदर का फंक्शन, जैसे मान लिया कंपोजिट में आया कि एक ही के अंदर फंक्शन, जैसे cos x एक अलग फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, लेकिन अगर हम लोग इसमें इस्तेमाल कर देंगे, किसका इस्तेमाल कर देंगे, तो फॉर एग्जाम्पल cos x स्क्वायर प्लस 5, देखिए इसमें डबल हो गया, यानी कि cos x स्क्वायर प्लस 5 हो गया, या फिर cos x स्क्वायर रहेगा, या फिर कंपोजिट से हमको ज्यादा मतलब है नहीं। कंपोजिट का मतलब आपको समझना है कि एक से ज्यादा फंक्शन रहेगा तब। y बराबर fgx, अब इसको तो हम लोग चैन रूल बोलते हैं। अब इसका हम लोग y बराबर fgx रहेगा तो इसका dy/dx कैसे निकालेंगे? तो dy/dx इज इक्वल टू dy के जगह पे हम लोग कितना पुट करेंगे, तो y के जगह पे fgx, तो f ऑफ g ऑफ x पुट करेंगे। बट आपको चैन रूल में एक बात समझना है कि अब की बार में f का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि f को हटा देना है, अंदर वाला लिखना है। अंदर वाला क्या है? dgx, और फिर नीचे वाला जो dgx बचेगा उसको इनटू में नीचे वाला को ऊपर लिखना है dg(x), और बटा में क्या लिखना है? तो अब की बार में g हटाएंगे तो क्या बचेगा? dx। यानी कि प्यारे छात्रों हम लोगों को चैन रूल तब तक लगाना है, तब तक इनटू में करते जाना है जब तक कि बटा में क्या नहीं आ जाता है? dx नहीं आ जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग को एक फंक्शन मिलेगा जैसे y बराबर, दूसरा एग्जांपल एग्जांपल ही है अभी, y बराबर हमें मिला f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, इतना सारा मिल गया, एक ब्रैकेट इसके लिए, एक ब्रैकेट इसके लिए, एक ब्रैकेट इसके लिए, तो हमें y का वैल्यू इतना बड़ा फंक्शन है और हमें फिर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो dy/dx इज इक्वल टू dy के जगह पे हम लोग पूरा पुट करेंगे वैल्यू, तो अगर y के जगह पे अगर पूरा वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? जो y का वैल्यू इतना बड़ा है हम इस y के जगह पे इतना पुट करेंगे, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x पुट कर दिया। और इसको अब किसके रिस्पेक्ट में कराएंगे वो हमको ध्यान देने वाला है। तो सबसे पहले f को हटाएंगे तो क्या मिलेगा? gh(x), तो लिखेंगे dg(h)x, और फिर इनटू,
तब तक चैन रूल लगाते रहेंगे। चैन रूल का आपको दिख रहा है कि जितना से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वही को ऊपर लिख रहे हैं, यानी कि इसी को ऊपर लिखना है। तो डी जी ऑफ एच ऑफ एक्स, उसको ऊपर लिख दिया। इसको डबल ब्रैकेट इसलिए दे रहे हैं कि एक इसके लिए ब्रैकेट और एक इसके लिए ब्रैकेट। अच्छा, अब हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो अब की बार जी को हटाएंगे तो क्या बचेगा, एच एक्स। तो नीचे लिखेंगे डी एच ऑफ एक्स। अब एच एक्स जो नीचे वाला है फिर से ऊपर ले जाएंगे, तो डी एच ऑफ एक्स। अब की बार में एच को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, डी एक्स। अब यहीं तक के हम लोग चैन रूल को समाप्त कर देंगे। क्यों? इसलिए कि हम लोग को डिफ्रेंशिएट करते करते डी एक्स मिल गया। अगर हम लोग को डिफ्रेंशिएट करते करते अगर जिस कंडीशन में अगर डी एक्स नीचे बच जाएगा वहां के आगे हम लोग काम नहीं करेंगे। तो प्यारे छात्रों, अगर हम लोग का फंक्शन इस तरह का रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, चैन रूल यूज करेंगे, और चैन रूल की मदद से हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर टू के बाद एग्जाम्पल नंबर हम लोग थ्री लेते हैं और फिर समझते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर थ्री लेते हैं, देखते हैं कि कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे। y बराबर लेते हैं इस बार एग्जाम्पल में y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5। प्यारे छात्रों, अगर हमें ये डिफ्रेंसिएशन है, इसको अच्छा ढंग से समझिएगा कि इसको इस तरह के डिफ्रेंसिएशन को हम लोग कैसे करते हैं। तो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करना रहेगा, इसका मतलब हमें डिफ्रेंसिएशन करने का मतलब क्या है कि dy by dx निकालना है, और dy by dx अगर निकालना है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि dy by dx इज इक्वल टू d, y के जगह पे पूरा वैल्यू पुट करेंगे, साइन x स्क्वायर प्लस 5। अब आपको नजर आना है कि dx लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो देखिए अब इसके बाद जो प्रोसेस है उसको समझना है। हम डायरेक्ट dx नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग पढ़े हैं क्या कि साइन x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है। यूं बोले तो यहां वाला जो होता है वही यहां रहेगा, तभी ना आप cos x लिख पाएंगे। साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x, क्यों cos x, क्योंकि यहां पे दोनों वैल्यू सेम रहना चाहिए। तो यूं बोले कि इसको dx के रिस्पेक्ट में हम लोग नहीं कर सकते हैं, जैसा सवाल बोलेगा वैसे ही हम लोग काम करते हैं। साइन के बगल में ये है तो साइन को छुपाएंगे, तो d और x स्क्वायर प्लस 5, तब जाकर ये हमें फार्मूला पे बैठेगा। क्यों? क्योंकि d साइन x बटा dx होता है cos x, तो फार्मूला पे बैठाने के लिए इसको x स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको डिफरेंशिएशन, और जो नीचे है फिर से उसको ऊपर ले जाना है d x स्क्वायर प्लस 5। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई, तो अब तो हम लोग आराम से dx के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका अलग निकल सकता है, इसका अलग निकल सकता है। आगे अगर काम करेंगे तो अब हम लोग जानते हैं ना sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, लेकिन cos x कब होता, जब x और x रहता तब। तो यहां पे x स्क्वायर प्लस 5 है, x स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहां sin का बच जाएगा cos, और यहां है x स्क्वायर प्लस 5 इंटू। अब हम लोग पढ़े हैं कि अगर डिफरेंशिएशन प्लस या माइनस में रहेगा तो उसको हम लोग अलग अलग तोड़ सकते हैं। इट मींस कि यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है ये क्या है, प्लस में है, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे। इट मींस डी एक्स स्क्वायर बट्टा क्या डी एक्स, इसको अलग तोड़े, और प्लस इस 5 को अलग तोड़े, इट मींस डी 5 डिवाइडेड बाई डी एक्स। हम लोग पढ़े हैं कल थ्योरी में कि अगर कोई फंक्शन प्लस में रहता है या फिर माइनस में रहता तो इसको हम लोग अलग अलग तोड़ सकते हैं। यानी कि मैथ्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा कि कहां पे हमें कैसा सिचुएशन में क्या करना है। अगर मान लिया जाता ऐसा क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट इसको रिस्पेक्ट में लाइए, इसको नीचे लाइए ताकि फार्मूला पे बन सके, और जब नीचे जितना होता है चैन रूल में उसको ऊपर लिखते हैं। मैंने इसको ऊपर लिखा, अब इसको किसके रिस्पेक्ट में किया जाए, तो हमको समझ में आ रहा है कि अगर हम dx के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इसको अलग अलग तोड़ के हम आराम से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको
खुद से समझना है कि कौन सा मेरे लिए अच्छा है, कौन सा आसान रास्ता है, आप उसको अपनाइए। तो यहाँ पे टोटल मिलाकर ये पता चला कि कॉस इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया ना, जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तो डी से हमको कोई लेना देना नहीं होता है, डायरेक्ट फार्मूला पे। तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू, अब यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन प्यारे छात्रों हम पहले बताए हुए हैं कि पावर वाला पहले हो जाता है, तो पावर आ गया टू और एक्स के पावर दो है, तो अब एक्स के पावर क्या होगा, तो दो में से एक घटाइए तो एक प्लस। अब हम लोग ये भी पढ़े थे कि कोई भी डिफरेंशिएशन अगर कांस्टेंट का हो, जैसे पांच का, छह का, आठ का, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, जीरो। तो आंसर जो बनेगा वो ए तो रहेगा ही रहेगा, और इसमें एक जीरो ऐड करेंगे तो टू एक्स का टू एक्स ही रहेगा। इसका मतलब कि टू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये मेरा आंसर हो गया, ये आंसर। तो आप इसको हम लोग आगे लिख दिए हैं, टू एक्स को आगे लिख दिए हैं, इसको पीछे लिख दिए हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फोर। चैन रूल का आप इस्तेमाल करना सीखिए कि कहां पे हम लोग कैसे चैन रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर नहीं सॉरी एग्जाम्पल नंबर फोर। इस बार हमें जो है एग्जाम्पल का है, इस बार वाई बराबर दोस्त कोस साइन एक्स है। देखिए आप बढ़िया से समझिए, तो कोस के एंगल में है, कभी भी आप लिखते होंगे टेंथ क्लास में साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मतलब क्या, साइन तो ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इसके एंगल में होता है, ये है कोण दिया हुआ है, तो आप कभी भी इसको यू इंटू भी पे नहीं तोड़ेंगे। बहुत सारे छात्रों को ये लग रहा होगा कि सर कोस को मान लेंगे यू और साइन एक्स को मान लेंगे वी, तो सर इसको यू इंटू भी पे तोड़ देंगे जो फार्मूला बताया था, लेकिन कभी नहीं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आप कभी भी साइन 30 को ऐसा नहीं आप लिख सकते हैं कि साइन गुना 30 डिग्री। ऐसा लिखने से तब तो ये भी हो जाएगा कि 30 डिग्री साइन, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए कभी भी अगर यहां अलग अलग तब होता जब ऐसे रहता कॉस एक्स साइन एक्स रहता, यानी कि इसका इसका भी बाजू में कुछ तो होना चाहिए, इसका भी बाजू में कुछ है, तब हम लोग यू और भी लगा सकते थे, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, कॉस के एंगल में मतलब जुड़ा हुआ है, जैसे कि कॉस के एंगल में साइन के एंगल में 30 डिग्री, ऐसे फिर ऐसे ये हुआ। तो यहां पे लिखा हुआ साइन एक्स और ये पूरा साइन एक्स किसके ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का मतलब कॉस के एंगल में है, यानी कि ये फंक्शन जो है एक से एक जुड़ा हुआ है, इसको अलग अलग आप नहीं लिख सकते हैं, नहीं समझना है कि अलग अलग है। चलिए तो फिर ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो जी हाँ मेरे पास आइडिया है, वो आइडिया कौन सा है, डिफरेंशिएशन बाय चैन रूल, इसको हम लोग चैन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए हम लोग इसको dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx, अब इस y के जगह पे क्या पुट करेंगे, d cos ब्रैकेट में sin x बट्टा क्या, अब बट्टा में किसको लाना है ये जरा हमें समझना पड़ेगा, इसलिए समझना पड़ेगा कि हमें जो फार्मूला पढ़े हैं कौन सा फार्मूला पढ़े हैं, तो डी कॉस एक्स बट्टा डी एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो अस कैसे हम लोग कर रहे थे, वाई बराबर अगर कोस साइन एक्स है तो इसको करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला, तो चैन रूल से करेंगे। जैसे अगर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आप समझिए, कॉस इसको लेना देना नहीं है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता था माइनस साइन एक्स, कब होता था, जब ये एक्स और ये एक्स सेम रहता था, तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तब ना ये और सेम हो गया, तब हम लोग कोस का माइनस साइन में बदल के लिख सकते हैं, लेकिन चैन रूल ये बोलता है कि जो आप नीचे लिखे हैं उसको ऊपर लिखना है, कब तक लिखना है, जब तक कि नीचे डीएक्स नहीं आ जाता है। तो हम एक ये फार्मूला लिखे हुए थे तो मिटा दिए, डी साइन एक्स को ऊपर ले जाएंगे, डी साइन एक्स अब किसको रिस्पेक्ट में, नीचे वाला को तो ऊपर ले गए, अब डायरेक्टली डीएक्स के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं,
तो कुल मिलाकर अब हमें फार्मूला पे आ गया कैसे भाई, तो कॉस एक्स बटा डी एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और किसके बाजू में क्या है, वहां था एक्स एक्स तो एक्स लिखते थे, यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, और इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, तो कॉस एक्स, क्योंकि फार्मूला पे है ये, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, आपको याद भी होगा हम लिखवा चुके हैं पहले, तो टोटल मिलाकर जो आंसर आया वो आया माइनस साइन ब्रैकेट में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और तो ये मेरा इसका डिफरेंशिएशन का आंसर हो गया। तो अब ये एक कुछ एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन था, अब हम लोग चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, कौन सा, तो क्वेश्चन करेंगे हम लोग 5.2 का पहले क्वेश्चन के साथ, कि उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, चलिए देखते हैं हम लोग अब एक्सरसाइज। अब हम लोग का 5.2 का पूरा थ्योरी खत्म हो गया है, तो अब हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से चलना, तो एनसीईआरटी 12th का एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए जस्ट एग्जांपल में, थ्योरी के एग्जांपल में, तो हम लोग आइए आगे पढ़ते हैं, दूसरा भी हम लोग सॉल्यूशन कर लिए हैं एग्जांपल वाले क्वेश्चन से, अब आइए आगे आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, आपको 5.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं दिया है, सिर्फ लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे दिख रहा होगा सामने, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, ये अच्छा से नहीं दिख पा रहे, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और नीचे पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, तो आपके पास बुक होगा आप देख लीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन सिर्फ लिखा हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी, तो हम इसको लेट बना लेंगे, लेट अपने तरफ से y बराबर मान लीजिए साइन ए एक्स प्लस बी, अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो प्यारे छात्रों करना क्या है आपको, कि इस तरह के डिफरेंशिएशन को करने के लिए आप यहां अच्छा से लिखिए dy बटा dx, अब y का वैल्यू क्या दिया है साइन ए एक्स प्लस बी, तो d साइन ए एक्स प्लस बी, अब यहां पे आपको थोड़ा सा रुकना है, डायरेक्ट dx नहीं लिखना है, इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे चैन रूल ये बताता है कि आपको उसी के रिस्पेक्ट में लिखना है जो पॉसिबल हो, जो फार्मूला पे बैठ सके, यूं बोले तो अगर उतना नहीं आ रहा है तो एक एक फंक्शन को ढकना है और फिर लिखना है, या आखिर हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि साइन एक्स, जो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है वो dx के रिस्पेक्ट में cos x होता है, यानी कि यहां वाला सेम सेम होता है, तो इसको फॉर्मूला पे लाने के लिए d ax प्लस बी लिखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तभी ना साइन का cos लिख सकते हैं, उसके लिए कंडीशन है कि साइन का डिफरेंशिएशन cos कब लिखना है, जब ऊपर और नीचे का सेम सेम होना चाहिए, तो आपको मैथ्स में यही तो है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, यू बोले तो आपको समझ नहीं आ रहा है तो साइन को ढकिए एक एक फंक्शन को, और जो बच रहा है उसको लिखिए, मैंने उसको लिखा, अब चैन रूल ये भी बताता है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप किए उसको ऊपर ले जाना है, तब तक ले जाना है जब तक कि नीचे डीएक्स नहीं आ जाता है, हमने क्या किया इसको ऊपर ले गया डी ए एक्स प्लस बी, अब किसके रिस्पेक्ट में भाई, तो dx के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका अलग और इसका अलग हो सकता है, यानी कि आपको खुद से समझना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में करने से डिफरेंशिएशन हो सकता है, फॉर्मूले पे टूट सकता है, तो dx के रिस्पेक्ट में, अब अगर आगे हम लोग बात करें तो इसके जगह पे डायरेक्ट लिखेंगे साइन का क्या होता है cos, यहाँ x और x रहता तो cos x हो जाता, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है ए एक्स प्लस बी इंटू, अब हम लोग इसको सीखे हैं कि अगर कोई डिफरेंशिएशन अगर प्लस में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं इसको अलग अलग तोड़ते हैं, तो डी ए एक्स बट्टा डी एक्स प्लस डी बी बट्टा डी एक्स, इसको प्लस में था तो अलग अलग तोड़ लिए, अब ये तो मेरे लिए बाहर ही रहेगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू,
आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन के अंदर कोई कांस्टेंट रहता है, जैसे 2x रहता, 5x रहता, तो हम लोग उसको बाहर निकाल लेते हैं, ये जो अंदर में रहता उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये और बी, छोटा ए और बी क्या है, तो कांस्टेंट है। जैसे 2x प्लस बी भी हो सकता है, 4x प्लस 5 हो सकता है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, तो हमारे लिए कांस्टेंट है। इसलिए कांस्टेंट को कहां बाहर करते हैं, आगे निकालते हैं। तो a और dx बटा dx प्लस कितना, तो प्यारे छात्रों b भी एक तरीके का कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है। अगर 4 का डिफरेंशिएशन, 5 का डिफरेंशिएशन, 8 का डिफरेंशिएशन, उसका वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। तो इस तरीके से इसका जीरो हो गया। अब आगे लिखेंगे cos ax प्लस बी इंटू, अब यहां a का तो ये लिखेंगे, और dx का, x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में ओवन होता है। यू बोले तो आप इसको काट भी सकते हैं, 1 से 1 कट गया, यानी कि dx बटा dx कितना होता है, तो एक बार में कट गया जब सेम सेम रहा तो। या फिर आप इसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो x के पावर आप 1 मान लीजिए और नीचे dx। तो फॉर्मूला क्या बताता है कि पावर को आगे कीजिए, हम पावर आगे कर लिए, इनटू फिर बताता है कि पावर को घटा लीजिए, तो 1 में से 1 गया, यू बोले तो 0। और किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1, और 1 गुना किए तो 1। यानी कि अगर हमसे कभी भी अगर सवाल पूछेगा कि dx बटा dx का वैल्यू, यानी कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत बार यूज होगा। यू या नहीं तो फिर आप ये समझिए कि dx क्या हो गया, कट के 1 आ गया, तो आप जैसे ही याद कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है। इसको फार्मूले पे भी तोड़ेंगे तो 1 आएगा, काटेंगे तो पर भी 1 आएगा, तो आपको dx बाय dx का वैल्यू कितना, 1। तो यहां पे हम a इंटू 1 प्लस कितना, 0। ये सब फार्मूला था, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं बगल में। तो a इंटू 1, a प्लस 0, तो टोटल मिलाकर आंसर क्या बन जाएगा प्यारे छात्रों, a प्लस 0, तो a बनेगा, और a को इसके साथ गुना कर देंगे, यानी कि a इंटू cos ax प्लस b, a मेरा हो गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आइए आगे आते हैं, आगे का सवाल देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आप बिल्कुल इसको समझते जाइए और नोट करते जाइए क्वेश्चन को, और नहीं तो और अदर बुक्स का भी आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, जो चैन रूल पे होगा, जो चैन रूल से बनेगा डिफरेंशिएशन, उसको आप ट्राई कीजिए घर पे, नहीं बनेगा आप हमें शेयर कीजिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, चौथा क्वेश्चन है, सेक, कुछ नहीं है तो अपने से मान लीजिए वाई, y बराबर क्या है भाई, तो sec, फिर tan, फिर रूट एक्स, इतना है। तो सिंपल है, हम लोग कैसे करेंगे, तो dy by dx इज इक्वल टू d, क्या है y का वैल्यू, तो इतना बड़ा है, sec, फिर tan, फिर रूट एक्स बटा क्या करें भाई। तो एक आसान सा सवाल, आप या तो सेक को छुपाइए, एक एक को छुपाना रहता है, तो एक को छुपाए तो क्या बच रहा है, टेन रूट एक्स, तो यहां लिखिए डी टेन रूट एक्स। अच्छा, अब आपको यह भी मतलब समझ में आना चाहिए, काहे भाई टेन रूट एक्स को टेन रूट एक्स क्यों नीचे लिखे हैं, क्यों, क्योंकि सेक एक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, sec x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो sec x इंटू टेन एक्स होता है, लेकिन कब, जब यहां का x रहेगा तभी ना, तो इसीलिए हम लोग यहां यहां को क्या कर लिए, सेम कर लिए। चलिए अब आगे आते हैं, चैन रूल तो ये बोलता नहीं है कि आप एक बार करके रुके रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, कब तक बढ़ो, जब तक कि नीचे dx नहीं आ जाता है। नीचे अगर dx आ जाता है आप बिल्कुल आराम कर सकते हैं, आंसर मिला सकते हैं बुक का, क्या आया है आपका और आंसर क्या दिया हुआ है। नीचे वाले जो है उसको ऊपर ले जाना है, मतलब कि d tan रूट एक्स बटा, अब किसके रिस्पेक्ट में भाई, तो अब tan को छुपाएंगे तो क्या आया, रूट एक्स, तो d रूट एक्स बटा डी रूट एक्स, क्योंकि आखिर tan का भी तो फॉर्मूला है ना, tan x को किसके रिस्पेक्ट में,
तो x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ टेन रूट एक्स है तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में किए। अब फिर से नीचे वाला ले जाएंगे ऊपर, तो d आ गया रूट एक्स, अब किसके रिस्पेक्ट में भाई, तो अब सोचना पड़ेगा। अब जरा ठहरिए, आखिर रूट एक्स का मीनिंग क्या है? तो रूट एक्स का मीनिंग तो वही ना है एक्स के पावर 1/2, क्योंकि रूट जो होता है वो हम लोग पावर में 1/2 लिख सकते हैं। तो आप बताइए, जब इस तरह का आ गया तो किसके रिस्पेक्ट में करना आसान है? जब एक्स के पावर 4 रहता है तो हम लोग dx के रिस्पेक्ट में नहीं करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये फार्मूला पे टूट गया, पावर है तो ये फार्मूला पे टूट जाएगा। तो वैसे ही अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये रूट एक्स नहीं है, ये क्या है, तो 1/2 है। तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करना आसान होगा? फार्मूले पे आएगा जो, जी हाँ, dx के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऐसा करने से फार्मूला पे आ गया x के पावर n का डिफरेंशिएशन। तो चलिए आगे करते हैं, हम लोग पढ़े कि sec का फार्मूला क्या होता है। तो sec x into tan x, तो यहां लिख देंगे sec x तब रहता जब यहां यहां x रहता, तो यहां क्या है, tan रूट x into sec x हो गया tan x, तो tan और यहां का सेम है tan रूट x। यानी कि देखिए, बात यहां पे ये नहीं आया कि हम लोग सर इतना बड़ा क्यों लिख दिए। तो जब sec x का फॉर्मूला, sec x का डिफरेंशिएशन याद होगा, sec x इंटू tan x, तो यहां x न लिखने के बजाय हम tan रूट x लिखे। क्यों? क्योंकि यहां tan रूट x है, वहां sec x dx होता था, इसलिए वहां sec x tan x होता था। तो यहां इसके जगह पे tan रूट x इंटू, इंटू जहां है वहां इंटू देंगे। अब tan x का क्या बनता था, तो आपको याद होना चाहिए, हम पहले ही बोल चुके हैं कि प्यारे छात्रों, आपको अगर डिफरेंशिएशन क्लियर करना है तो आप बिल्कुल फार्मूला को याद रख लीजिए। tan x को x के रिस्पेक्ट में होता है था sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x, कब, जब ये x x होता था तब। तो यहां हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x, sec स्क्वायर रूट x इंटू, अब हम लोग इसका कैसे करते हैं, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन की n को बाहर निकाल लीजिए, तो हम 1/2 को बाहर कर लेंगे, फिर जिसका पावर है उसको लिख लेते हैं और इसमें से एक घटा लेते हैं, तो 1/2 में से माइनस एक कर लेंगे। तो कुल मिलाकर आगे का स्ट्रेच क्या मिला, तो sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2। इसको अगर बात करें तो x 1/2 में से घटाएंगे तो x के पावर -1/2, या नहीं तो आप देखिए, तो x के पावर अगर 1/2 है, x के पावर 1/2 में से अगर 1 घटाएंगे तो बचेगा क्या, -1/2, और -1/2 को अगर नीचे लाएंगे तो बनेगा x के पावर 1/2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स। यानी कि इसको कुल मिलाकर हम लोग इसको नीचे लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/√x। तो आप अगर आंसर में देखेंगे तो बिल्कुल यही होगा। एक बार हम खुद आंसर देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो 5.2 का ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 नंबर ना, तो 5.2 का 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हाँ बिल्कुल वही है, sec है, tan रूट एक्स है, sec स्क्वायर रूट एक्स है, और इस 2 रूट एक्स को ना पूरा का बट्टा करने के बाद नीचे लिख दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 रूट एक्स तो नीचे ही है ना, तो आप पूरा बट्टा करके तब लिखिए या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्यारे छात्रों, अभी हम लोग कर रहे थे वो 4 तक के क्वेश्चन किए हैं, अगर आपसे सॉल्व होता है तो आगे का क्वेश्चन कीजिए, मतलब और 4 क्वेश्चन बच गया है जो अगले वीडियोज में, अगले क्लास में हम इसको कंफर्म कर देंगे, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 और 8 नंबर, यानी कि अगले क्लास में 5.2 हम लोग की एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल आप घर पे पढ़िए और ट्राई करते रहिए, फॉर्मूले को याद कीजिए, तभी क्वेश्चन को समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो फिर आपका फिर प्रॉब्लम है, आप उसको ढंग से कीजिए काम। तो फिर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।